हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि प्रदेश में अल्पमत की सरकार है जो चल नहीं रेंग रही है। इस पर अनिल विज ने कहा कि सरकार तो चल रही है और सभी अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। अभी आदर्श आचार संहिता लगी है, कोई नई घोषणा नहीं कर सकते। इसके अलावा अनिल विज ने इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला के बयान पर भी निशाना साधा। सरकार तो चल रही है, सारे अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है। अब कोड़ों का नक लगा हुआ है, उसमें कोई ऐसी घोषणा है जो वो तो कर नहीं सकते हैं। अब हुड्डा साहब मुझे कई बार समझ नहीं आते, खुद ये दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं और बिल्कुल ये अनजान बहुत बालकों वाली बात कर, कोई नई योजना लागू ही नहीं कर सकते। अभी तो इनेलो ने भी लिया, अपने जो पहले कैंडिडेट की घोषणा की है वो भी उन्होंने मांग के लिए दूसरी पार्टी से। तो ऐसे ये देखिए, अब बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गया कि बाकी सारी पार्टियों का तो ओमबूर बासवा हो गया, तो अब वो जो जीवित पार्टी है जिसके पास विजन है, जिसके पास नेता है, नीति है, जिसकी नीयत ठीक है, तो और जिनकी सोच ऐसी है वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें क्या गलत है।